थोड़ा समय दे दो, बस समय दे दो, आपके पाँव पड़ा है थोड़ा सा, मैं सबके पाँव पड़ रहा हूँ, सबके हाथ पड़ रहा हूँ, सबके कैमरे को धक्का कैसे दे रहा? धक्का हमारी दुकान तोड़ेंगे साले, हमारी दुकान तोड़ेंगे। एमआईजी थाने के सामने अन्नपूर्णा ड्रेसेस का अवैध निर्माण नगर निगम की टीम ने शनिवार को तोड़ दिया। सुबह 7 बजे से शुरू हुई कार्रवाई के दौरान भारी हंगामा हुआ। दुकान के कर्मचारी निगम की जेसीबी के आगे लेट गए। झूमा झटकी भी की गई, लेकिन निगम अधिकारियों के सामने किसी की एक नहीं चली और अवैध निर्माण ढा दिया गया। इस दौरान दुकानदार और कर्मचारियों ने निगम अफसरों से कहा, 12-12 घंटे काम करते हैं, थोड़ा समय दे दो, लेकिन निगम अफसर नहीं माने। एमआईजी से पाटनीपुरा जाने वाले मार्ग पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इसे बनाने से पहले नगर निगम से बेसमेंट में पार्किंग, उसके ऊपर दुकान और पहली मंजिल पर रहने के लिए आवास बनाने की परमिशन ली गई थी, लेकिन नियमों को दरनिकार करते हुए बेसमेंट और पहली मंजिल पर दुकानें बना ली गई। अपर आयुक्त तो संदीप सोनी के मुताबिक 6 से ज्यादा बार नोटिस देकर अवैध निर्माण को हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन भवन मालिक ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद 24 घंटे का नोटिस देकर आज अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। देखिए, जो LIG से पाटनीपुरा रोड के बीच में एक कमर्शियल पूरा अपार्टमेंट बना हुआ है, इसकी जो बिल्डिंग परमिशन है वो रेजिडेंशियल कमर्शियल की है। 4500 स्क्वायर फीट प्लॉट है, मतलब ये होता है कि आप ग्राउंड फ्लोर पर ही सिर्फ कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं, बाकी रेजिडेंशियल है। पूर्व में नोटिस दिया गया था, पूरी सुनवाई का समय दिया गया है, इनको सुना है, उसके पश्चात अंतिम आदेश किया है और फिर 24 घंटे का नोटिस देके तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो उल्लंघन है, कई सारे उल्लंघन है। पहली बात तो यूज़ वायलेशन है, मतलब आपको जब नीचे कमर्शियल ऊपर रेजिडेंशियल का, तो आपको ऊपर रेजिडेंशियल यूज़ करना चाहिए, कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जो बेसमेंट है वो बेसमेंट पार्किंग के लिए, उसको भी आपने कमर्शियल यूज़ किया है। तीसरा, जो आपकी हाइट है वो सिर्फ 9 मीटर अलाउड है, मतलब G+2, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 22 मीटर, मतलब G+5-6 का निर्माण किया हुआ है। तो साथ ही जो फ्रंट MOS है उसमें 6 मीटर का एक्स्ट्रा निर्माण किया हुआ है। तो ये सारे उल्लंघनों को दृष्टिगत रखते हुए नोटिस किया था, सुनवाई की गई, अंतिम आदेश जारी किया गया है, उसके पश्चात जो इलीगल पोर्शन है उसको तोड़ने की कार्रवाई की गई।